इंदौर शहर में लॉकडाउन के दौरान पिछले दो महीनों से बिजली के बिल एवरेज खपत के आधार पर आ रहे हैं। इसमें शहरवासियों को लग रहा है कि उनकी बिजली खपत से ज्यादा उन्हें बिल मिल रहे हैं। वहीं बिजली कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते मीटर रीडर उपभोक्ता के घर नहीं पहुंच पाए, इसलिए उन्हें प्रक्रिया पूरी करनी थी। जो भी बिल ज्यादा आने की शिकायत कर रहे हैं उनकी जाँच की जा रही है। बिजली कर्मचारी इस महामारी के दौर में भी रात दिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लोगों का गर्मी से बचने के लिए बिजली उपकरणों के बिना एक पल भी रहना आसान नहीं है, लेकिन यह बिजली के बिल अब करंट मार रहे हैं। इंदौर शहर में सैकड़ों लोगों की समस्या है कि उनके बिजली के बिल ज्यादा हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं कि किस प्रकार लोगों की समस्याएं हैं और वह बिजली बिलों के बारे में क्या कहते हैं। 3000। जैसे नॉर्मली आपका कितना बिल आता था? पहले आता था 1000, 900, 800। आप क्या घर पे क्या काम? कुछ नहीं है काम, बच्चे हम तो सब गए गांव, मैं अकेली रही हूँ, रहती हूँ। हाँ, आपका नाम? सुनीता। ठेला वाली कभी आते हैं तो बैठे दो महीने से घर, जो कलम लोग खा लिया अभी मंडी की। क्या करते हैं बाबूजी आप? ठेला लगाते हैं आलू प्याज का। आलू प्याज का ठेला लगाते हैं। कितने का बिल आया आपका? 1700-1800 है। ऐसे कितने का आता है बिल नॉर्मल? ऐसे आपको 600 आ जाता है, 500 आ जाए, 400 आ जाए। अब 1800 आई है दो महीने की। तो ये आपके यहाँ रीडिंग लेना आता है, रीडिंग लेने आया है? कोई नहीं आया, ये पूरा बिल दिया है आज, एवरेज बिल दे दिया उनने। हाँ, कमलनाथ जी सरकार के जब से बिल सभी का देने मिनिमम किसका 100, 200, 300, 400, 500 रहा था, और जब से सरकार शिवराज चौहान जी का ये सभी घरों बिल 500, 1000, 10000, 5000, 3000 आया था कि बिल इन्होंने भेज दिए, वो भी बिगर रेडिंग के। और चूँकि यहाँ पूरे मध्यम वर्ग क्षेत्र है, यहाँ कोई सब मजदूर वर्ग के क्षेत्र है, यहाँ पर कोई काम करने जाने वाला दो महीने से बैठा हुआ है, फिर भी इतने बिल थोप दिए, बताओ जनता जैसे इस बिल को भरेंगे। आपका नाम? कितने लोग यहाँ पर हैं जिसके यहाँ बिल ज़्यादा आया है? बिल सारे द्वारकापुरी क्षेत्र आप चेक कर लो, सारे द्वारकापुरी में अधिक से अधिक बिल आए हैं। और दूसरी बात ये है, यहाँ गाड़ी MPV की आ रही है और घर से इनके बिजली के बिल वसूल कर रही है, घर से आके पैसे ले जा रहे हैं। 10000 रुपये बिल आया है, दो महीने से घर ही बैठे हैं, कोई काम धंधा नहीं है। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं मकान का, इतनी मेहनत करके मकान तो बना लिया, सरकार ने बोल दिया कि किराएदारों से पैसा मत लो, हमने कोई भी किराएदार से पैसा नहीं लिया। अब दो महीने का 10000 रुपये बिल कहाँ से ला के भरे, घर ही बैठे कोई काम धंधा नहीं।